खबर संपूर्ण संथाल परगना से। रंगदारी की वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, बसंत सोरेन का वायरल वीडियो में जिक। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से दुमका में हड़कंप मचा हुआ है। ऑडियो में एक अपराधी पत्थर खदन के संचालक से 40 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। अपराधी खुद को दुमका के नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन का आदमी बता रहा है। इस वायरल वीडियो में मुन्ना राय नाम का एक आदमी शिकारी पाड़ा के पत्थर कारोबारी आदित्य गोस्वामी से 40 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहा है और अपने आप को बसंत सोरेन का आदमी बता रहा है। डीआईजी ने कहा, बंगाल समेत कई जिलों में मुन्ना की तलाश जारी है। दुमका के शिकारी पाड़ा के पत्थर कारोबारी आदित्य गोस्वामी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और विधायक बसंत सोरेन का नाम लेने वाले शिकारी पाड़ा के रंगदार मुन्ना राय की गिरफ्तारी के पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी है। डीआईजी के निर्देश पर सदर एसडीओ नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। मंगलवार की रात डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल और एसपी अंबर लकड़ा ने शिकारीपाड़ा थाना जाकर कई घंटे तक कैंप किया और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर दुमका के रानीश्वर प्रखंड से है। रानीश्वर प्रखंड के बिलकांदी पंचायत में हो रहे अवैध ईंट भट्टा का निर्माण। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र में बिना खनन अनुमति धड़ल्ले से हो रही है ईटा भट्टा का निर्माण। यहां बिलकांदी पंचायत के कुरोपा पहाड़ी मौजा में एक अवैध ईंट कारोबारी के द्वारा बिना रोक टोक के ईंट भट्टा का निर्माण हो रही है। पथ निर्माण विभाग के टोंगरा से दिगुली मुख्य पथ के किनारे एक बिचौली के द्वारा आदिवासी के जमीन पर अवैध कब्जा कर सत्ताधारी दल के रसूख के बल पर ईंटा भट्टा लग रहा है। जानकारी के अनुसार निर्माण स्थल पर तकरीबन 2 लाख ईंटा मौजूद है। निर्माण स्थल पर अवैध कारोबारी से पानी के लिए चापानल गाड़ कर खोदा गया है। खबर अब देवघर से। झारखंड के देवीपुर एम्स में नए साल से शुरू होगी ओपीडी सेवा। देवघर जिले के देवीपुर एम्स में नए साल 2021 से ओपीडी काम करने लगेगा। यह ओपीडी सेवा एम्स कैंप के आयुष ब्लॉक में संचालित होगी। ओपीडी खुलने से लोगों को चिकित्सा सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। एम्स प्रबंधन इसकी तैयारी में जुट गया है। जानकारी के अनुसार गुड्डा सांसद निष्कांत दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि जिस आयुष ब्लॉक भवन में ओडीपी संचालित होगा उसका काम 80% पूर्ण हो गया है। कोरोना से जीवन का जंग हार गई नगर पंचायत अध्यक्ष लतिका। देवघर के मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष 74 वर्षीय लतिका मुर्मू का बुधवार की सुबह 6 बजे धनबाद में इलाज के दौरान निधन हो गया। सांस लेने में परेशानी के कारण बीते शनिवार को उन्हें धनबाद के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बुधवार की सुबह इलाज के क्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मीना बाजार स्थित आवास पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। शोकाकुल परिवार को ढाढ़स देने विभिन्न राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठन के लोग जमा हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की दिवंगत नेत्री लतिका मुर्मू के इकलौते पुत्र बैंक अधिकारी संजय कुमार मुर्मू उप गुड्डू ने बताया कि मेरी माँ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले देवघर के नवनियुक्त उपायुक्त भजंत्री। देवघर में नवनियुक्त उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को उपायुक्त भजंत्री ने शिष्टाचार भेंट बताया। भजंत्री इससे पूर्व केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री एवं नीति आयोग उपाध्यक्ष के निजी सचिव रह चुके हैं। अब खबर गोड्डा से। छठ महापर्व की तैयारी पूरी करना आज। गोड्डा जिला मुख्यालय सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक आस्था व सूर्य उपासना का महान पर्व छठ बुधवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। इस दिन व्रतियों ने बड़ी श्रद्धा से पूजा घरों में शुद्ध घी से कद्दू व भात बनाकर भगवान को अर्पित किया। इसके उपरांत आसपास के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया, जबकि गुरुवार को खरना के तहत घर में पूजन के उपरांत सगे संबंधी और स्वजनों के बीच खरना का प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं कल शुक्रवार को अस्थला चलागामी एवं शनिवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने का विधान है। स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिला बकाया वेतन। गोड्डा जिले में कार्यरत करीब 79 स्वास्थ्य कर्मियों को 3 माह मार्च अप्रैल और मई 2020 का वेतन नहीं मिला है। इसमें ड्रेसर, ओटी सहायक, नर्स, कॉल चैन हैंडलर आदि शामिल है, जबकि प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को
एक माह पूर्व ही DMMT मद से 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि मुहैया कराई गई है। उस समय तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देते हुए DMMT कर्मी को बकाया 7 माह में से 3 माह का वेतन रोक दिया गया। बाकी मशक्कत के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को सिर्फ 4 माह का वेतन दिया गया। ज्ञात हो कि बीते दिनों दर्जन भर सदर अस्पताल कर्मियों ने विभाग पर 7 माह से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया था। तत्पश्चात उन कर्मियों को भी 4 माह तक वेतन दिया गया, लेकिन मार्च अप्रैल और मई माह का वेतन नहीं दिया गया है। छठ घाटों पर रहेगी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, 500 पुलिस वालों की तैनाती। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रशासन भी रेस हो गया है। यह बड़ी संख्या में छठ डाला लेकर आने वाले छठ घाटों को चिन्हित किया गया है। इन जगहों पर दंडाधिकारी के साथ स्टैटिक फोर्स की तैनाती होगी। इस संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं दूसरी ओर शहर के छठ घाटों पर भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, जहाँ करीब 500 पुलिस बल की तैनाती जिले भर में होगी। अब खबर जामताड़ा से। 108 अप्रशिक्षित शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड 1 का लाभ। प्रोन्नति के लाभ से वंचित जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 108 अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रोन्नति देते हुए नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतन का मान लाभ दिया जाएगा। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने जिला स्तरीय कार्यालय में विभागीय पहल शुरू कर दी है। मालूम हो कि संयुक्त बिहार सरकार कार्यकाल वर्ष 1982-83, 1984 और 1986-87 और 1988 में नियुक्त अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को वर्ष 2012 तक अनुकंपा पर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों में से ग्रेड 1 का लाभ पिछले वर्ष महज 752 शिक्षक शिक्षिकाओं को मिला था, लेकिन 108 को नहीं मिल पाया है। अब विभाग ने लाभ से वंचित अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रोन्नति देने की विभागीय पहल शुरू कर दी है। छठ घाटों की सफाई कर विधायक इरफान बोले, छठी मैया का आशीर्वाद जामताड़ा पर बना रहे यही कामना करता हूं। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को जामताड़ा के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सहना, सराग्राम बांध, राजा बांध, सरलगडी, अजय नदी का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों की खुद भी सफाई की। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था का पर्व है और इसे मेरा खास लगाव है। उन्होंने कहा, छठी मैया का आशीर्वाद जामताड़ा पर बना रहे यही कामना करता हूँ। अब खबर पाकुड़ से। पंकज कुमार शाह बने भाजपा पाकुड़ नगर के अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। भाजपा जिला अध्यक्ष बलराम दुबे जी ने पाकुड़ जिला की घोषणा की, जिसमें पाकुड़ नगर अध्यक्ष के नाते पंकज कुमार शाह की घोषणा किया गया। पंकज कुमार शाह पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगभग 10 वर्ष तक कार्य किए और ABP के नगर मंत्री और जिला प्रमुख जैसे दायित्व में रहकर काम किया। उसके उपरांत भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष, युवा मोर्चा में जिला महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य व भाजपा के नगर महामंत्री दायित्व पर रहकर काम करने का मौका मिला। अब भाजपा के जिला अध्यक्ष बलराम दुबे जी ने पाकुड़ नगर की कमान पंकज कुमार शाह को दिया है। तालाबों में छठ मनाने की मिली छूट से लोग में खुशी का लहर। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ बुधवार को नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है। इस महापर्व को लेकर छठ व्रतियों के धुलियान के गंगा नदी व पवित्र सरोवर में स्नान कर कद्दू भात बनाकर भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ाया। उसके उपरांत कद्दू भात छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। महापर्व के दूसरे दिन गुरुवार को यानी आज का आयोजन किया जाएगा। छठ पर्व का खरना विशेष महत्व बताया जाता है। खबर साहेबगंज से। अवैध पत्थर ढुलाई करने वाले पर होगी प्राथमिकी दर्ज। साहेबगंज जिले में अवैध पत्थर ढुलाई करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने ये बातें कही। बुधवार को DC के कार्यालय प्रकोष्ठ में यह बैठक की गई। इसमें प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले क्रशर संचालकों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। फर्नीचर गोदाम में आग से 10 लाख की संपत्ति जली। साहिबगंज शहर के फर्नीचर गोदाम में मंगलवार देर रात आग लगने से लगभग 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। सूचना पाकर देर रात फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आखिर कैसे लगी आग? हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।